एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में जो है बहुत सारी 249 वैकेंसी जो है आउट हुई हैं फॉर द डिफरेंट पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल और डिफरेंट 8 डिसिप्लिन्स में जो है ये पोस्ट आउट हुई हैं। एंड आई वुड से आपका इसमें जो सिलेक्शन रहने वाला है दैट वुड बी प्योरली ऑन योर गेट स्कोर। आपका गेट स्कोर बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, इसमें नेसेसरी रहेगा। आई वुड से गेट 24 में अगर आप अपीयर हैं, आपने किसी भी एक डिसिप्लिन में एक वैलिड स्कोर गेन किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नंबर टू, आई वुड से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दैट ऑन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड योर इंटरव्यू बेस। सो जो भी इन तीनों में से वट एवर एक्टिविटीज गोइंग टू बी टेक प्लेस वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड थर्ड इज योर गेट स्कोर। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस की डिटेल में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा और क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका पे स्केल रहने वाला है। सो दिस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 249 पोस्ट पे जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुई है एंड दीज 8 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलॉजी, ठीक है। ऑल्सो दीज आर 249 पोस्ट, 103 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 67 फॉर ओबीसी एंड एससी, 37 एसटी, 18 पोस्ट एंड आई वुड से ईडब्ल्यूएस 24 पोस्ट, ठीक है। अगर आपकी एज 28 ईयर्स तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन द बॉक्स, सो यू मे चेक इट आउट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर मैं बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूँ, आपने जिस भी एक डिसिप्लिन में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, मीन्स मेटलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, एनीथिंग, उसमें आपके 65% मार्क्स जो हैं होने चाहिए, दैट ओनली यू कैन अप्लाई, ठीक है। ऑल्सो ये एक डिटेल टेबल है, आपके जो भी डोमेन्स हैं लाइक आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या कुछ भी है, उसके सब डोमेन्स जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सो अगर आपने उसमें भी आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, कोर्सेज हैं, यू शुड हैव अ नॉलेज और लाइक दैट, सो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल द स्पेसिफिकली जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, सो इस टेबल को एक बार ही अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये कुछ एज रिलैक्सेशन, आई वुड से मार्क्स रिलैक्सेशन दी हुई है, जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके जो है डिग्री में 55% मार्क्स अगर हैं तो दे में अप्लाई। नेक्स्ट आई वुड से मेडिकल स्टैंडर्ड्स या क्रिटिकल सिलेक्शन प्रोसीजर की देखिए हम बात करते हैं। सेल विल बी रिक्रूटिंग मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी जो है ये डिफरेंट 8 डिसिप्लिन्स में इन टेक्निकल इन द 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सच एज एंड गेट 2024 स्कोर्स। सेल विल बी यूटिलाइजिंग द स्कोर्स, आपके गेट के स्कोर चेक किए जाएंगे एंड ऑल्सो फॉर क्या कहते हैं शॉर्टलिस्ट बेसिक परफॉर्मेंस इन द रेलिवेंट गेट एग्जामिनेशन एंड द नंबर टू पेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड योर वैलिड गेट स्कोर इन योर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, सो आपके इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हों और वो सारी चीज़ें जो आपकी चेक रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट। सी, ये इंस्ट्रक्शन यही है कि आपके किसी भी 8 में से किसी भी एक डिसिप्लिन में एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपने एक से ज़्यादा उसमें गेट पेपर दिया या ऐसा कुछ है, आपके मार्क्स कुछ हैं, सो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है लाइक दैट, ठीक है। आपको एक गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए होगा जब आप सेल के लिए अप्लाई करोगे, और जो अप्लाई आपने करना है वो आपने ऑनलाइन करना है। सी, अगर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स एंड मार्क्स इन गेट 2024 पेपर कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:12 फॉर ईच डिसिप्लिन, ठीक है। एंड द जीडी एंड इंटरव्यू मे बी हेल्ड एट शॉर्ट नोटिस फॉर विच कॉल लेटर्स विल बी अपलोडेड ऑन सेल वेबसाइट एंड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड फॉर द सेम थ्रू देयर ईमेल और फोन नंबर।
नो अदर कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्पस. आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है या आपका इंटरव्यू होने वाला है, वो आपको मेल के थ्रू पर्सनली आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. और आपकी रेशियो अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए क्या उसकी वेटेज रहने वाली है, ठीक है. सो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपका एक बहुत बड़ा रोल और बहुत ज़्यादा वेटेज है उसकी आपके इस सिलेक्शन के लिए, यू नो मैनेजमेंट टेक्निकल आई वुड से फॉर द दीज डिफरेंट इंजीनियरिंग पोस्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज यू नो ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन. इट्स फॉर 1 ईयर के लिए है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग. एंड ऑल्सो आई वुड से आपकी पे स्केल की अगर मैं बात करूँ, बेसिक जो पे स्केल है दैट वुड बी 50,000, राइट. एंड नेक्स्ट कम्स 50,000 टू 1,60,000 तक इट कुड बी इंक्रीजेबल, फाइन. दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस इज हाउ टू अप्लाई. ये अप्लाई आप चेक कर सकते हो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ही आपने सेल की अप्लाई करना है. ऑल्सो ये आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा. एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस. पे स्केल काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा रहने वाला है. एंड प्लीज़ बी फोकस ऑन योर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विथ यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन. ऑल द वेरी बेस्ट.